आसपास क्षेत्र में शनिवार से बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश के चलते रविवार सुबह नगर के बीच बहने वाला पीड़िया खाल उफान पर आ गया। खाल के नज़दीक वाली निचली बस्तियों में पानी घुस चुका, इससे वहां बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। हाथीखाना क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों और दुकानों में घुस गया है। दुकान, मकान, मंदिर, मस्जिद, वाहन सब के सब पानी की जद में आ चुके हैं। बारिश के पानी की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये पानी सीधा घर में घुसा है, जिसके चलते घर में रखे सभी सामान पानी में डूब गए हैं। कुछ सामान पानी में बह भी गए हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हमारे संवाददाता ने पूरी स्थितियों का जायजा लिया। इस वक्त हम जावरा शहर के हाथीखाने के अंदर मौजूद हैं। कल से हो रही लगातार वर्षा के बाद में हाथीखाने का पूरा एरिया जलमग्न हो चुका है। कई मकानों के अंदर पानी घुस चुका है। मैं दिखाना चाहूँगा कि इस तरह से यहाँ पर कई जो मकान हैं पीछे आप देख सकते हैं, जितना आगे जाएंगे इतना ही पानी जो है और ज़्यादा है। लगातार वर्षा जो हो रही है उसको देखते हुए कई दुकानों के अंदर पानी है। मैं बताना चाहूँगा कि पीछे के एरिए के अंदर यहाँ पर जो है, जिस तरह से ये डीपी देखिए आप, डीपी पूरी डूबी हुई है। उसके पास में जो दुकान है वो पूरी डूबी हुई है। जो हमारे साथ में अभी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कब से हो रही है ये वर्षा और किस तरह से आपके ये रात भर से पानी आ रहा है, और मतलब 4 बजे से ज़्यादा ही पानी आ रहा है, और 4 बजे से नदी चल रही है ये, और बढ़ते बढ़ते है, अभी इतनी बढ़ चुकी है ये कि मतलब पूरा हाथीखाना डूब चुका है। सरकार रोड पे जो रास्ता जा रहा है उसमें जितने ही मकान है सामने के सारे मतलब खाली करवा दिए गए हैं, क्योंकि वो सारे पानी भर चुका है। प्रशासन ने मतलब कहा है कि मतलब अपने अपने घरों में रहो और बाहर मत निकलो। अभी तक आपके लिए सुविधा के लिए कोई यहाँ पर नगर पालिका का यहाँ कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया तक। नगर पालिका के द्वारा यहाँ पर कोई भी नहीं आया है, और अभी तक इनके लिए कोई देख रेख के लिए प्रशासन का आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन इमरान खान के साथ अफसर खान, बंसल न्यूज, जावरा।